कामयाबी के 5 मापदंड होते हैं। सबसे पहले ताकत आती है, फिर इंसान दौलत की इच्छा रखता है, इसके बाद इज्जत और शोहरत आते हैं। कामयाबी का सबसे बड़ा और अंतिम मापदंड है जीवन का मकसद, यह इसी क्रम में आते हैं। तो आइए इनको डिटेल्स में समझते हैं। ताकत, ताकत के मायने हैं शारीरिक बल, पावर, प्रभाव, सेहत। तूफान का इंतजार कर रहे थे ताकि सर्फिंग कर सकें। एल मेनी आयरलैंड के सर्फर हैं। हाल ही में उन्होंने कॉलेरीन के समुद्र में लहरों को हराने का रोमांच दिखाया। यह फोटो उसके ठीक कुछ मिनट पहले का है। मेनी तूफान के उत्तरी आयरलैंड तट से टकराने का इंतजार कर रहे हैं। जुआर जैसे ही तट से टकराया, वह सर्फिंग के लिए उतर गए। जिद पूरी करके ही माने, दूसरों को दबाना ताकत नहीं होती दोस्तों। बच्चा स्कूल में यही समझता है कि ताकत ही सफलता है, जबकि असली ताकत समाज को बदल सकने वाला प्रभाव है, जो दूसरों की सेवा करने से ही मिल सकता है। दौलत, दौलत के मायने हैं संपत्ति, हुनर, पैसा, समृद्धि। 31 की उम्र में बने अरबपति अब कर रहे हैं समाज सेवा। कौन नहीं जानता बिल गेट्स को। बिल गेट्स 31 की उम्र में ही अरबपति बन गए। पत्नी मेलिंडा के साथ चैरिटी के लिए गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की, ताकि जरूरतमंदों की मदद कर सकें। उन्होंने संकल्प लिया कि इस काम में दुनिया के धनी लोगों को शामिल करेंगे, इसलिए उन्होंने 600 अरब डॉलर का चैलेंज अभियान भी शुरू किया है। पैसा कमाना ही दौलत नहीं, उम्र बढ़ने पर दौलत की असली अहमियत पता चलती है। जिसके पास ताकत है उसके पास दौलत हो यह जरूरी नहीं, लेकिन दौलत से ताकत मिलती है दोस्तों। इज्जत, इज्जत के मायने मान सम्मान, ज्ञान, शिक्षा। पिता ने घर से निकाल दिया, खोला पहला महिला स्कूल। सावित्री बाई फूले की 9 की उम्र में शादी हो गई थी, ना पढ़ी लिखी थी ना ही दौलत थी। पति ज्योतिबा फूले से पहले खुद पढ़ना सीखा, फिर लड़कियों को पढ़ाने लगी। पिता को पता चला तो घर से निकाल दिया। सावित्री बाई ने 1848 में पुणे के पास लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। देश की पहली महिला शिक्षक बनी। ताकत दौलत बिना भी इज्जत संभव। इंसान के पास ताकत और दौलत ना हो तो भी वह समाज में इज्जत हासिल कर सकता है, ठीक वैसे ही जिस तरह शिक्षक का सम्मान और प्रतिष्ठा तमाम उम्र होती है। शोहरत, शोहरत के मायने प्रशंसक, नाम प्रसिद्धि, अनुयायी, अच्छे काम। कालाजार की दवा खोजी, बनाया पहला ब्लड बैंक। डॉक्टर उपेंद्र ब्रह्मचारी लगभग 6 वर्षों तक रात को चिमनी की रोशनी में रसायनों का प्रशिक्षण करते रहे। उनके पास ना कोई टीम थी ना कोई जरूरी सुविधाएं थी। उन्होंने एडवर्ड जेनर के साथ मिलकर स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन खोज निकाली। वर्ष 1935 में भारत के पहले ब्लड बैंक की स्थापना कोलकाता में की गई। शोहरत अकेले नहीं आती। जिस इंसान के पास ताकत, दौलत और इज्जत ना हो उसे आसानी से शोहरत हासिल नहीं होती, ना ही उसे बरकरार रखना आसान होता है। और इन सबसे ऊपर है मकसद, लक्ष्य, संकल्प, मंजिल, दिशा। ये सब मिलकर बनाते हैं उद्देश्य। सर्वोच्च सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पास उद्देश्य होता है। पहले प्रशिक्षित किया, अब करते हैं जीने में मदद। कंप्यूटर प्रोग्रामर विलियम पॉवेल का गर्दन से नीचे पूरा शरीर कई सालों से लकवाग्रस्त है। पॉवेल को खाना खिलाने से लेकर हर छोटे बड़े काम में मदद करता है उनका खास प्रशिक्षित कैपुचीन बंदर क्रिस्टल। पॉवेल अमेरिका के बोस्टन स्थित टफ्स न्यू इंग्लैंड मेडिकल सेंटर के प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत बंदरों को शारीरिक रूप से असक्षम लोगों की मदद के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।